हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉग लवर खुशबू में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी जो फ्रेंड्स, मैं नहा धो करके पूजा करके अभी चल रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और आज नाश्ते में बनने वाला है चाय और पकोड़े, और साथ में मेरे लिए अलग से मैं अपने लिए जो है वो चीज सैंडविच बना रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं उसे। यहाँ पे जो है मेरे पकौड़े की सारी चीजें जो है मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अभी हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। हमारा तेल भी हो चुका है गर्म। इधर बन रही है हमारी चाय, इधर जो है हमारी पकौड़ी, और ये चाय जो है वो रेडी है। तो अभी हम जो है फ्रेंड्स, फाइनली जो है वो डॉग मिल चुकी है, जो कि 3 दिन से जो है वो घर पे नहीं आई थी खाना खाने के लिए। और उसको जो है वो जो है बच्चे दी हुई है कहीं और पे, थोड़ा घर से दूर पे, जहाँ पे अपने घर का जो है ऊपरी रखा जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं। उसका सारा खाना डेली मैं रखती थी कि अब आएगी अब आएगी। सबको खाना देने के बाद भी उसके हिस्से का खाना मैं रखती थी, उसका वेट करती थी कि वो आएगी तो वो खाएगी, नहीं तो बिना खाए वापस जाना पड़ेगा उसे। चलो ये मुझे 3 दिन के बाद मुझे देख, मैं इससे मिल रही हूँ। आज ढूंढते ढूंढते ये पता चला कि यहाँ पे इसके ये जो है अपना बच्चा दिए, वो रहे उसके बच्चे। दिखा दो आप, ये रहे इसके बच्चे। ये जो यहाँ पे मेरे घर की ऊपरी जो है वो रखी जाती, वहां पे आके ये दिए। यहाँ से हल्का सा टूटा हुआ है दरवाजा में, वहीं से वो निकली है। ये देखिए, ये कित बहुत दिनों की भूखी भी है। फाइनली जो है इसको आज खाना मिल रहा है। इसका खाना जो है वो डेली रखा जाता था कि आ जाएगी कल आएगी, लेकिन आती नहीं थी। तो आज इससे ढूंढते ढूंढते ये मुझे मिली है कि ये यहाँ पे है। जो है मैं इसे लेके जा रही हूँ एक गड्ढे में डालने के लिए, और ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। ये जो है वो पूजा की सामग्री है, जैसे कि जो पत्ते और जो फूल है वो सारी चीजें। वैसे तो हम लोग इसे जो है नदी में बहाते हैं, लेकिन मैं भी जो यही सोची थी कि इसे नदी में या फिर गंगा जी में जाके इसे बहा दूंगी। लेकिन फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कि जैसे हम जैसे इंसान जो है वो नदी में कचरा नहीं है वैसे, लेकिन हम डाल रहे हैं, और एक आदमी जो उसे निकाले जा रहा है। वो कोई उसे कोई सरकार की तरफ से कोई पैसे ऐसे नहीं मिलते थे। उसका ये था कि वो जो है वो नदी को गंदा नहीं होने देगा, वो उसकी सारी गंदगी को साफ करेगा। तो मैं उस वीडियो को देख के मुझे जो है वो चीज़ अच्छी लगी कि जो है हम लोग भी जो है उसे डालने से अच्छा है हम कहीं ऐसी जगह पे इसे जो है वो गड्ढे में मतलब दफना दें, या फिर ऐसे जगह रखें जैसे कि जिसे किसी का पैर ना पड़े या फिर किसी इसे नांगे ना। नदी में बहाने से अच्छा है, क्योंकि नदी में जो है नदी गंदी होती है। हम ये सारे, कोई एक इंसान ये चीज़ नहीं डालता, वो सारे इंसान डालते हैं, और इतने सारे लोग हैं, इतना डालते हैं कि सारे जो नदी का पानी होता है वो गंदा हो जाता है, और जो आसपास के जानवर उसे पी भी नहीं सकते, पीते हैं, जिसकी वजह से उनको बीमारियां भी होती हैं। तो मैं इसे जा रही हूँ एक गड्ढे में, इसको दफना दूंगी। केले का पेड़ है, वहीं पे जा रही हूँ इसे डालने के लिए। चलिए डालते हैं इसे। खन रहा है वो, यहीं पे हम इसे डाल देंगे। एक ऊपर मिट्टी डाल देंगे। इससे जो ये खाद भी बन जाएगा और पानी भी गंदा नहीं होगा, और ये यहाँ केले के पेड़ के पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो है फ्रेंड्स, मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, और बहुत दिनों के बाद बोलते बोलते जो है आज फाइनली मैं मार्केट गई हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या क्या लेकर के आई हूँ। ये रहे गोलगप्पे, और मैं जाऊँ गोलगप्पे ना लाऊँ और ना खाऊँ ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे पहले ये चूड़ी है जो कि मम्मी के लिए करवा चौथ के लिए पहनने के लिए, और ये है बिस्किट, तीन बिस्किट, ये है पंजाबी तड़का, और ये है 3 कुरकुरे, और ये है 2 चिप्स,
एक कोल्ड ड्रिंक। ये गलती से चार आ गया है, दो मैं ले चुकी थी तो पापा भी ला चुके थे ये बिरयानी मसाला। और ये चढ़ाने के लिए करवा चौथ पे चूड़ी, ये सीसा कंघी वो भी करवा चौथ के लिए मम्मी के लिए। और ये रही दो मेहंदी, एक मम्मी के लिए लगाने के लिए और एक चढ़ाने के लिए। और एक ही रहा छोटा सा डेरी मिल्क। और ये रहा इतना सारा क्लचर। और ये रहे सेफ्टी पिन, ये बड़ा वाला मम्मी के लिए और छोटा वाला मेरे लिए। और एक रहा नेल पेंट, ये भी चढ़ाने के लिए। और ये रहा चिप्स, अभी हमारे बीच में हो रहा है लूडो। यो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एनिमल्स को प्यार करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।